बाड़मेर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं आमजन को जागरूक करने के मद्देनजर नगर परिषद द्वारा 8 जागरूकता रथ सोमवार को रवाना किए गए। सभापति दिलीप माली और आयुक्त दलीप पुनिया ने इन जागरूकता रथों को नगर परिषद कार्यालय के आगे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए लगाई गई गाड़ियां भी कोरोना जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। बाड़मेर में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र को एक बार फिर जागरूक करने का निर्णय लिया है। सोमवार को नगर परिषद के सभापति दिलीप माली और आयुक्त दलीप पुनिया ने कोरोना जागरूकता के पोस्टर लगे 8 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ शहर भर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर अनाउंसिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सजग और सतर्क रहने के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील करेंगे। सभापति दिलीप माली ने बताया कि बाड़मेर में कोरोना संक्रमण लगातार भयावह होता जा रहा है और हालिया दिनों में कोरोना जानलेवा भी साबित हो रहा है। ऐसे में आमजन को अधिक सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, मास्क के उपयोग के साथ हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। इसी के मद्देनजर नगर परिषद द्वारा 8 जागरूकता रथों को रवाना किया गया है जो शहर भर के इलाकों में भ्रमण कर आमजन को जागरूक करने का कार्य करेंगे। आयुक्त दलीप पुनिया ने बताया कि 8 जागरूकता रथों के साथ वार्डो में कचरा संग्रहण के लिए लगाए गए 25 वाहनों में भी कोरोना जागरूकता के संदेश बजाए जाने के निर्देश दिए गए हैं जो विभिन्न वार्डों में कचरा संग्रहण के दौरान आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर जन जागरण के लिए 8 टैक्सियां हमने वार्ड शहर के विभिन्न वार्डों में गली मोहल्लों में प्रचार प्रसार हेतु आमजन से निवेदन के लिए हमने ये टैक्सियां शुरू की है। इसके अलावा 25 जो नगर परिषद के घर घर कचरा संग्रहण के ऑटो टिप्पर है उस पर भी हमने जन जागरण कैसे भरवा के और सभी लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि आप भी वजह घर से बाहर नहीं निकलें और आप घर के अंदर रहें, अपने परिवार की अपनी सुरक्षा करें और बेवजह इधर उधर नहीं घूमें। अभी दो मई तक था, 2 मई को राज्य सरकार के नए निर्देशों के तहत जो ये कोविड की जो चेन चल रही है उसको तोड़ने के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से कुछ नए डायरेक्शन और नए प्रतिबंधों के साथ ये शुरू किया गया है जो आज से शुरू हुआ है, जिसकी जानकारी देने के लिए और कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं, उस उद्देश्य से हमारे खुद के जो 25 ऑटो टिपर है उनके अलावा हमने 8 अलग से ऑटो टिप टैक्सियाँ हायर करके और वार्ड वाइज पर डे वो घूमेंगे और लोगों को जो भी प्रतिबंध और राज्य सरकार के निर्देश है उनके बारे में जानकारी देंगे और कोरोना से बचाव के संबंध में जो भी डायरेक्शन या गाइडलाइन मेडिकल विभाग की है उसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2 मई को नई गाइडलाइन जारी करते हुए 3 मई से दोपहर 12 बजे के बाद पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया है। बावजूद इसके बाड़मेर के बाजारों और गली मोहल्लों में लापरवाहियां चरम पर हैं। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने के साथ दिनों दिन मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नगर परिषद ने एक बार फिर शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान शुरू किया है ताकि आमजन को जागरूक कर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।